अब उबर 90 दिन पहले बुक हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, थंबनेल भी ठीक पड़ा आपने, इसमें कोई कैच नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और आज हम बात करने वाले हैं उबर की इस नई सर्विस के बारे में। उबर, इसको उबर रिजर्व कह रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है आप ये समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि अक्सर आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, हवाई जहाज से उतरते हैं, उसके बाद आपको कैब मिलने में देरी होती है, कई बार कैब नहीं भी मिलती है, सर्च प्राइसेस आ रखे होते हैं, उसकी वजह से आपको उबर एक्सेल या प्रीमियम बुक करनी पड़ती है। तो इन सभी परेशानियों का समाधान उबर ने निकाला उबर रिजर्व के नाम से। अब आप 90 दिन पहले ही अपने कैब को बुक कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि आपको 90 दिन पहले उतरना कहाँ पर है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप कैब को रिजर्व कर लेंगे तो आपके पास ड्राइवर डिटेल्स, कैब डिटेल्स और फेयर यानी किराया तक हाथ के हाथ आपको पता लग जाएगा 90 दिन पहले ही। तो आपके जो वो हैसल होता है ना लैंडिंग के बाद कि यार उतरने के बाद कैब ढूंढो कैब नहीं मिल रही है, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक बात हो गई है। इसके अलावा उबर जो है आपको उतरने के बाद पूरा टाइम बताएगा कि आपका जो पिकअप लोकेशन है वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। इसके अलावा ETA वॉकिंग का भी एक फीचर ऐड कर दिया जा रहा है कि जब आप चल के जाते हैं तो आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल कितना होगा, यानी कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट के गेट नंबर 7 से बाहर आ रहे हैं तो वहां से लेकर आपका जो पिकअप लोकेशन है वहां तक आपको चलने में कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी मिलेगी, यानी कि आपको डायरेक्शन बताई जाएगी। जैसे हम लोग गूगल मैप पे डायरेक्शन देखते हैं गाड़ी चलाते वक्त, उसी तरह से उबर की ऐप आपको रास्ता बताएगी कि सीधे जाइए, दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, इस तरह से आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का एक नया फीचर उबर ने इंट्रोड्यूस किया। फिलहाल इसको भारत के 30 एयरपोर्ट्स के साथ शुरू किया जा रहा है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। उबर कहना है कि हम इसको पूरी दुनिया में 400 एयरपोर्ट्स के साथ लाने वाले हैं। तो देखो, दुनिया का तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम भारत की बात करेंगे, भारत के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि ये बात एकदम सच है, अगर आप पीक आवर्स में लैंड कर जाएं तो आपको गाड़ी वहां पर नहीं मिलती है, आप अपनी सवारी का इंतजार करते रहते हैं और आपका देर और देर में तब्दील होता चला जाता है। तो फीचर कुल मिला के अच्छा लग रहा है, अब देखना ये है इसको टेस्ट करके कि क्या वो जो सर्च प्राइसिंग वाली बात है वाकई में वो नहीं लगती, या फिर आपने 90 दिन पहले बुक करा और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व करने का इतना ज़्यादा पैसा ले लिया, जो कि जनरली होता भी है जब हम शेड्यूल करते हैं कोई भी राइड को, तो वो ज़्यादा पैसे दिखा देती है जनरली। तो देखना ये कि 90 दिन पहले बुक करने में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको हम टेस्ट करके देखेंगे, तब आपके सामने पूरी पिक्चर लाएंगे। लेकिन फिलहाल मोटी मोटी बात यह है कि अब आप 90 दिन पहले उबर की कैब बुक कर सकते हैं। अब हाँ, अगर 90 दिन पहले बुक करने के बाद भी आप लैंड करें, आपने ड्राइवर को बोला हाँ जी कहाँ चलोगे, क्या द्वारका चलेंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, अगर तब भी ड्राइवर कैंसिल कर देता है तो शायद आपकी कुंडली में कोई दोष होगा, फिर तो मुझे नहीं लग रहा आगे कुछ बात होगी। लेकिन देखो जी, देखो हम सवारी हैं, हमारा ख्याल रखना चाहिए, मतलब हम आम जनता है जी, अपनी कमाई का पैसा आपको देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो ले जाया करो यार, इतनी नानुकुर मत किया करो, हम तो खाली ये रिक्वेस्ट करेंगे। आपका क्या कहना है, अगर आपको कोई उबर के साथ या ओला के साथ या किसी भी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है जब ड्राइवर ने मना कर दिया हो, या फिर आपको ठीक प्राइसिंग ना मिली हो, या आपने कम किलोमीटर के बहुत ज़्यादा पैसे दिए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके अपनी राय रखें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए बात इतनी सी थी, तो हमने आपको बता दी, बाकी हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं कि देखिए देश दुनिया को अच्छा बनाना है तो एक अच्छे मानव बने। मेरा नाम मानव है, जय हिंद कहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट www.trendsign.com पर भी ज़रूर लॉग इन करें।